gift yan. Baka gift yan. Kaya mga kalimutan. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह 6:30 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम पहुँच गए वडोदरा। अब हम यहाँ से हमारे स्टेशन पर पहुँच कर जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से हम पावागढ़ की बस पकड़ेंगे। हम पहले जाने वाले हैं पावागढ़, तो चलिए फिलहाल देखो यहाँ पर मॉर्निंग का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। सब वॉकिंग पर निकल रहे हैं, ग्राउंड पे देखो सब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पावागढ़। आप पावागढ़ आते हो तो डायरेक्ट गांव में ही माता जी का मंदिर, जो कि उसकी सीढ़ियाँ है वो स्टार्ट नहीं होती। आपको पहले वहाँ से गांव से एक टैक्सी लेनी पड़ेगी, वहाँ से 6-7 किलोमीटर होता है वो पूरा। तो आपको अगर आप प्राइवेट अपना व्हीकल लेके नहीं आए तो आपको आना पड़ेगा टैक्सी से। टैक्सी का पर पर्सन चार्ज है वो 40 रुपीज़ है। तो आप 6 किलोमीटर आओगे, बाद में यहाँ से सीढ़िया है करीबन 1800 सीढ़िया होगी। चलो पहले हमने सोचा सीढ़िया पर जाएंगे, धूप बढ़ गई तो सोचा रोप वे पर जाएंगे। रोप वे पर भी लाइन देखी तो भाई 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, उतनी लाइन थी। तो चलो अब सीढ़िया से ही जाते हैं। करीबन 1800 से 2000 के बीच में सीढ़िया है। देखो हमने स्टार्ट कर दिया है चढ़ना, वहाँ तक है पूरा। वो तो हमें माता जी शक्ति दे देंगे चढ़ने की। तो चलिए जल्दी जाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस मैंने आपको रोप वे दिखाया, वो भी रोप वे भी सुविधा है यहाँ पर। आप 150 रुपये 150 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ की फीस है, उसकी टिकट है। तो हाँ, और हाँ एक बात और बता दो आपको, यहाँ पर ऊपर जाते वक्त बंदर भी आपको नज़र आएंगे। तो हाँ अपने कीमती चीज संभाल कर रखना, क्योंकि कोई बंदर होते हैं तो ऐसे छीन के ले भी जाते हैं, सावधान ज़रूर रहे। गाइस ऐसे आपको ऐसे 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 करके ऊपर बहुत कितना सारा है। अभी शायद हम 500 क्रॉस कर चुके हैं, पूरे 500 क्रॉस हो चुके हैं। बस अब 25% हमारा कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट कर लेंगे। चलो जल्दी चलो 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 भाई फटाफट। रास्ते में जाते जाते मसाले वाले कच्ची केरी खाते हैं। तो गाइस जो आपको रास्ता दिख रहा है वही जो रास्ता है वहाँ, वो पावागढ़ से आता है एक पॉइंट तक जहाँ तक आपको टैक्सी में आना होता है, जो मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया रास्ता है वो।
तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक है यहाँ पर, भीड़ बहुत है क्योंकि वेकेशन का टाइम है तो पब्लिक बहुत है आजकल। भीड़ बहुत है गाइस, देखो आप भीड़, यहाँ की पब्लिक, यात्रीगण, देखो यात्रीगण कितनी गिर दी है, बहुत गिर दी है। जय माँ काली माँ। गाइस बिस्लेरी में से अलग अलग बोतलें तो बनी थी, ये नया देखने को मिला विशेश्वर। फाइनली हम पावागढ़ से वापस आ चुके हैं। फिलहाल मैं हूँ पोईचा में, पोईचा हम पावागढ़ से पहले वडोदरा आए, वडोदरा से पोईचा आए। तो पोईचा कल जो मैं घूमूंगा वो सब आपको मैं बताऊंगा, जहाँ जहाँ जाऊंगा वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। और हाँ, एक महत्व की बात बता दूं कि पावागढ़ आप आए ऐसा सोचकर मत जाना कि ऊपर रहने का है, पर वहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं पर आप पूरी रात स्टे नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो प्लीज़ पूरा चेक करके जाएगा। तो गाइस उतरते वक्त रिटर्न में मैं बहुत छूट नहीं कर पाया क्योंकि थक गए थे बहुत, ऊपर धूप भी थी, तो बस अब शांति से यहाँ पर पहुँच गए। चलिए मिलते हैं कल। तो बस आज के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।